100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से एंट्री होती है, 400 रुपया। इससे क्या होगा, मेरा जूता फनेगा नहीं। बस 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 निकल जा बेटा, गाड़ी पूरी बबल कर रही है। अरे बाप रे, मेरा पैर लग गया जमीन में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिलेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? तो गोकुल सिंह टॉकली जी ने हमें इनवाइट किया है अपने होम स्टे में। नहीं फिसलेगी। सो लेट, हम निकलने का समय हो गया है। हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे, अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं खाती तक। रात यहाँ पे हम लोग सोए थे, यहीं से पानी भर के लाए थे ये लोग रात में। तो ये था भाई कपकोट, ये कुछ मार्केट है कपकोट की। ये है पिंडारी ग्लेशियर, यहाँ से 58 किलोमीटर, खाती है यहाँ से 38 किलोमीटर। ट्रैक जो है ना, लोहार खेत से भी स्टार्ट कर सकते हो, खाती से भी कर सकते हो। हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम लोग किस रास्ते से जाएं और किस रास्ते से नहीं जाएं, क्योंकि अगर हम लोग लोहार खेत चले गए तो लोहार खेत से हमें अप्रॉक्स डबल डेस्टिनेशन कवर करनी पड़ेगी बाय ट्रैक, जो कि हमें नहीं करनी है। और हमें जाना है खाती, तो किसी से पता करना पड़ेगा कि खाती के लिए हम इधर जाएं किधर जाएं। तो उन्होंने बताया कि खाती सीधे जाना पड़ेगा, ब्रिज क्रॉस करके नहीं जाना है, क्योंकि इधर से है लोहार खेत। हमें जाना है खाती, तो हम जाएंगे इधर से। चलो, कंफर्म हो गया, खाती का रूट यही है। देखो ऊपर से पूरा पहाड़ जो है टूट के नीचे आ गया, यहाँ से नीचे ऊपर देखो भाई, कितना खतरनाक है। यहाँ से कपकोट है 12 किलोमीटर, हम लोग आ चुके हैं 12 किलोमीटर, और फिर से हमें टी पॉइंट मिल गया। ये जो द्वार पड़ेगा आपको, शहीद स्मृति द्वार, तो उसका ध्यान रखना। अपन को जाना है सीधे। चॉकलेट तो ले लिया हमने गाइस यहाँ से, क्योंकि ट्रैक करते समय ना एनर्जी चाहिए होगी, तो उसमें चॉकलेट जो है बहुत हेल्प करेगी। सो अभी हम आ गए हैं करमी गांव में, और ये करमी गांव जो है 16 किलोमीटर पड़ा था हमें नीचे से। कितना खूबसूरत गांव है यार ये करमी, मतलब जो मेन रोड है ना मुंसारी वाली, वहां से अंदर कटने के बाद एक यही मेन गांव है जो काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी लोग यहां पे रह रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, होटल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप अगर रुको तो आपको फिर किसी के होम में या फिर किसी का गेस्ट हाउस लेना पड़ेगा। और डॉगी महाराज कत्ते घूम रहे हो भाई मॉर्निंग मॉर्निंग में। ये देखो भाई, हर मोड़ पे पहले गियर में गाड़ी चढ़ रही है। 3 स्टिंग ली थी, जिसमें से 1 स्टिंग गिर गई और 2 बिस्किट के पैकेट गिर गए। 40 रुपए का नुकसान हो गया सुबह सुबह। तो ये गाइस, हम लोग अभी बैठे हैं रास्ते में, काफी थक गए थे, तो धूप दिखी ना तो अच्छे लग रहा है हमें यहाँ पे, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी, हाथ अकड़ गए थे भाई, तो हम यहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। मेरे बैग में था चॉकलेट। क्या ही व्यू आ रहा है यार, देखना। हम लोग ऊपर वाले रोड से आ रहे हैं वहाँ से ऐसे, और एक रास्ता नीचे जा रही है जो आ रही है बदिया कोट के लिए, लेकिन हमें इधर नहीं जाना है, हमें जाना है इधर सीधे खाती के लिए। तो गाइस हम लोग ना यहाँ पे रुक गए हैं खरकिया में, मॉर्निंग के बज गए हैं 8:44, और हम लोग हैं अभी खरकिया में नाश्ते के लिए रुके हुए हैं। चाय वगैरह बोल दिया हम लोगों ने, और बाल देखो कैसे हो रहे हैं भाई, हेलमेट में बिल्कुल सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं बिल्कुल, देखो खतरनाक ही लग रहे हैं। आदमी कम से कम ये तो सोच ले कि मुझे नींद आ रही है, तो मैं सही से बैठूं गिर जाऊंगा बाइक पे से। कितनी नींद आती है तेरे को है? सामने देखो भाई साहब, ग्लेशियर देख रहे हो भाई। ओए ओए, मेरा मन कर रहा है वो जगह है, मैं चटाई बिछाऊंगा लुढ़क जाऊं। अबे दीपक, हां मौसम बढ़िया हो रहा है? बढ़िया मौसम, दिक्कत तो नहीं आ रही कोई? हम मौसम बनाने जा रहे हैं। देखो भाई, हनी गया मौसम बनाने अंदर, लैटरिंग में गया अंदर लैटरिंग करने। खरकिया के बाद में खाती रहा था 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे बन रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ की सड़कें बन रही हैं, और यहाँ पे है बहुत ही खतरनाक स्लोप, निकालनी पड़ेगी गाड़ी यहाँ से बड़ी सावधानी से, नहीं फिसलेगी।
निकल गई। अब हनी आ रहा पीछे से, उसको देखते हैं कैसे निकालेगा वो। है जा। बाप रे, फिर से एक बार खतरनाक सा पैच आ गया। तो इनको निकलने देते हैं पहले, उसके बाद निकलते हैं अपन, क्योंकि अपन का टायर जो है ना अगर स्लिपरी हो गया है तो ध्यान से करनी पड़ेगी। पूरा सन गया मेरा जूता। अब एक पैर से गाड़ी निकालता हूँ मैं भी, जैसे मेरा जूता नहीं सनेगा। लेफ्ट वाला पैर मैंने नीचे रख लिया है, इससे क्या होगा मेरा जूता सनेगा नहीं। बस 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 निकल जा बेटा, बस बस निकल गई, गुड गर्ल। बाप रे, खाती यहाँ से रह गया 3 किलोमीटर और एकदम से स्टीप चढ़ाई आ गई है। इको टूरिज्म पंजीकरण केंद्र जैकुनी खाती, हम लोग पहुंच चुके हैं जैकुनी, यानी कि खाती में पड़ता ही है। और यहां से आगे जाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है और पंजीकरण करवा कर ही जाए। देखो यहां लिखा भी है कि पिंडारी ग्लेशियर, सुंदर डूंगा ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर। उतना कशिश टाइम लगेगा थोड़ा यहाँ पे अभी। पिंडारी ग्लेशियर, सुंदर डूंगा ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर में बिना पंजीकरण के जाना कानूनी अपराध है। सभी पर्यटकों गाइडों से अनुरोध है कि यहाँ पर पंजीकरण करवा कर ही ग्लेशियरों में जाएं। आज्ञा से प्रभागीय वन अधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग। तो ये है जैकुनी जो है खाती के अंदर में आता है। खाती है यहाँ पे एक नगर पंचायत और नीचे बागेश्वर है डिस्ट्रिक्ट और तहसील पड़ती है कपकोट, तो उसमें ये पड़ता है पूरा। और सामने है ऑफिस गवर्नमेंट का, वन विभाग का। तो अपन लोग चलते हैं नीचे और करवा के आते हैं रजिस्ट्रेशन। है नहीं कोई आधार कार्ड खाली है? तो यहाँ पे हमें आधार कार्ड की हार्ड कॉपी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये फोटो खींचेंगे ना उसका। आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी भी है तो आप उसकी भी दिखा सकते हो मोबाइल में, क्योंकि ये इन्हें सिर्फ खाली फोटो खींचना है उसका। हाँ, सबके दिखाने पड़ेंगे, जो भी पर्सन जा रहा है तो सभी के आधार कार्ड मैंडेटरी है। हमने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है और रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस होता है कि आधार कार्ड आपको दिखाना होता है जैसे मैंने आपको बताया, और 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से एंट्री होती है। तो हम लोग 4 थे तो हमारा देखो ये कटा है 400 रुपया, ये आप देख सकते हो 400 रुपये यहाँ पे मेंशन होगा ये, तो 100 रुपये पर पर्सन। तो मैंने इनसे पूछा कि ये किस चीज़ का चार्ज है, तो इन्होंने बोला कि कोई इमरजेंसी हो जाती है तो ऊपर खबर पहुँचानी होती है हमें नीचे, मतलब बागेश्वर में, कि ऊपर जो पर्यटक गए हुए हैं अभी वापस नहीं आए हैं, वो भी इन केस हम लोग ऊपर गए और कल तक या परसों तक वापस नहीं आए तो इमरजेंसी में फिर ये खबर पहुँचाएंगे नीचे कि ऊपर गए हुए पर्यटक वापस नहीं आए हैं, तो फिर नीचे से रेस्क्यू टीम आएगी। तो जो भी उसका मतलब चार्ज होता है ना, हैंडलिंग चार्ज बोल सकते हो आप, तो वो सब एक्सपेंसेस इसमें बियर होते हैं, तो उसी लिए ये खर्ची हमारी कटी है। तो हम ऊपर चलते हैं, ये मैंडेटरी है, यहाँ पे करवा के ही ज़रूर आगे जाना। अच्छा जी, देखते हैं कितने आगे तक हमें जाने का मौका मिलता है पिंडारी ग्लेशियर के 0 पॉइंट तक, जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं वो आपको बताते रहेंगे हम लोग। और खाती है यहाँ से 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के बाद हमें अपना सामान वहीं छोड़ना पड़ेगा खाती में, क्योंकि वही एक लास्ट पॉइंट है खाती, जिससे आगे आप अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकते। तो गाड़ी पूरी बबल कर रही है, अरे बाप रे मेरा पैर लग गया ज़मीन में, बड़ी तेज लगा यार, जूता ना ख़राब हो गया मेरा, मैं जूता छिल गया मेरा हल्का सा। देख लो कितनी खतरनाक तरीके से, अरे बाप रे, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बन पा रहा गाड़ी का, अब गाड़ी पूरी कूद रही है, इसलिए मैं ना अपने राइट साइड में रख रहा हूँ गाड़ी को, ताकि मेरा बैलेंस बिगड़े ना और मैं गिरूँ ना। अरे बाप रे, और फर्स्ट गियर में ये गाड़ी चल रही है मेरी, और वो सामने पहुँच गया हनी, अरे बाप रे, क्योंकि मैं तेज भगा नहीं सकता, गिरने का डर है, प्लस सामान भी ज़्यादा कूद रहा है ना तो खुल जाएगा। बाप रे, इतनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं भाई कुछ सुंदर सी चीज़ देखने के लिए। देखना कोई गाड़ी आई होगी वो पत्थर डाल के चलेगी, अभी लोग पत्थर हटा रहे हैं रास्ते से तो हम निकलेंगे, अब थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ये बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल 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 मिलेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? गोकुल सिंह ताकुली। ठीक, तो गोकुल सिंह ताकुली जी ने हमें इनवाइट किया है अपने होम स्टे में, मतलब क्या कहते हैं, हमेशा बंदा रहता ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अरे रास्ता बंद है ना इधर से, इसलिए बोल रहे हैं इधर से जाने को।
भाई एकदम से ढाल है खड़ा, वो आ रहे नीचे, गाड़ी फंस गई इनकी, पहले गियर में ला रहा हूँ अभी ना, पहले गियर में गाड़ी छोड़ेगी यहाँ पे, तो भाई दूसरा तो भूल जाओ। देखो मैं तो यहाँ पे यार, हम बाइक कहाँ पार्क करें? उधर लगा, वो कोने में लगा ना सामने, उधर विंडो के आगे ना सामने लास्ट वाली। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम बाइक, और अपनी बाइक सामने खड़ी हो गई, खाती में हम लोग आ गए हैं। अब करेंगे यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट, जो कि है अपना द्वाली, 11 किलोमीटर। पहले द्वाली अपन एम करेंगे पहुँचने की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।